मैं कह रहा हूँ गोगो, नीयत ही खराब है इस चोर की। आजकल हर चीज में तेरा मेरा करने लगा है। ये होता है लड़की आने से लाइफ में। साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? 3, 2, 1 प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती, काम पर रखती, काम अच्छा लगे तो नौकरी परमानेंट, शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम ही, औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया, यानी गायब, पर्स में तो इनके मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर साला जब ब्रेकअप करेंगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक ये डिस्कशन करेंगे कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं, अब इतनी कंसर्न है तो छोड़ी क्यों रही हो। बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो उनके की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। सर ही सेल्फिश कहेगी, अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे? ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब है चढ़ के सो जाओगी, मस्त में नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की, नहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी, भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ ही इन्हें फिर से बात करनी है? बीबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया, अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हगते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? सेक्स सेक्स इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? यू नो कभी-कभी तो मुझे लगता है दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेंगी व्हाई डू यू लव मी, इन्हें हर 2 महीने में जानना है व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अरे पागल हो क्या यार, इतना कौन सोचता है बे? सुना नहीं तुमने कभी प्यार एक एहसास है? और उससे भी बड़ा सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता, सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। कि तुम्हें पता भी तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूं ना। अबे कोई भी बात तुम इन्हें समझाओ, मजा ले जो समझ आ जाए, वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो 1 मिनट में समझ आ जाती है। इस सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा ये सूरज बन जाती है जी ने शुरू किया। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पिना पिना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में अब पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर आके चाहे जितने भी दिन रहना चाहता है रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदलने वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं, तो मेरा बताना अचानक से ये इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोवेनिटी का इशू कैसे बन जाता है? और इस साला भैंस की आंख, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस कॉन्वर्जेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन पे कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि वो उनका हक है या उनको सिर्फ मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल अब फोन ही नहीं टीवी पे भी आपकी मारने के लिए आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस होगी कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच बाद में रिकॉर्ड करके देखता है बे? पहले साले ये सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी मार रहे थे कॉलेज कम करके, वो मार के उठे तो साले स्मार्टफोन्स वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की जिससे किसी को आपकी लोकेशन का पता चले? हाँ सिगरेट खरीदने के लिए रस्ते में रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी यू आर फाइन ना? नहीं मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं पर रुके थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं।
अबे मेरी माँ गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन करोगी तो वह मैं से ही मर जाऊंगा। साला ये आदमी मर भी रहा हो ना तो भी शायद नहीं ये चाहिए कि बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज लेने आ गए, ठीक है? तब भी इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तब भी पूछेंगे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा आज मरने का प्लान था, और कौन कौन साथ में मर रहा है, अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसी थोड़ी छीन लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने लेनी कर दी होगी, कहा होगा ऐसे कैसे, कहा क्यों, यमराज बोला होगा सॉरी बहन जी गलती हो गई आप ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का सियापा है कि आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज्ड। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें और करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछ रही छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, गलती से भी उस छोले में कुछ कमी निकाल लो तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी की बने हुए छोले नहीं पसंद मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप है, अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो वो उसके माँ बाप से ही सीख सकते हो, और हाँ वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल ले कोई टेंशन नहीं, तुम उनके माँ बाप के बारे में जरा सीख लाइन बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर दोनों एक साथ हो जाए। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दिया, इतनी टच हो जाती है बाय गॉड कि हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो, है? ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो देने को रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं, इससे तो अच्छा साले अपने हाथ से शादी कर लो।